कानपुर में एक और बांग्लादेशी युवती को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें, कुछ दिनों पहले एक बांग्लादेशी महिला समेत तीन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पूर्व में गिरफ्तार बांग्लादेशी महिला ने जेल में पूछताछ के दौरान आखी के बारे में जानकारी दी थी। आखी भी अवैध तरीके से कल्याणपुर क्षेत्र में रह रही थी। मामले की गंभीरता से जांच के लिए आईबी और एटीएस टीम जा सकती है दिल्ली और कोलकाता। कल्याणपुर थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। पूर्व में एक बांग्लादेशी महिला कल्याणपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार हुई थी, जिसको हम लोगों ने जेल भेजा था। कल जो पुलिस की टीम है और पुलिस से ही एक ट्रांसलेटर और अन्य जो LIU और अन्य टीमें होती हैं, न्यायालय से परमिशन के बाद वहाँ पूछताछ जेल में जाकर की थी। जेल में पूछताछ से एक और महिला का नाम उन्होंने बताया था कि वो बांग्लादेश की वो भी रहने वाली हैं और यहाँ से पूर्व में भारत में रह रही हैं। उन्होंने जिसका नाम आखी है और उन्होंने इस लड़की की मदद की थी बांग्लादेश से आने में, कोलकाता से ले आने में ये भी महिला शामिल रही है जिसका नाम आखी है। उसको आज हमारी टीम ने गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। सर, क्या जांच में कुछ ऐसा कुछ बताया कि इससे पहले भी एक महिला गिरफ्तार थी, क्या और भी लोग हैं या जांच में कुछ विशेष कुछ निकल के आया हो पूछताछ में? जोधपुर में महिला गिरफ्तार थी, उसी से कल जेल में जाकर पुलिस की टीम ने विवेचक ने उनसे पूछताछ किया था। पूछताछ के दौरान ही उन्होंने बताया था कि एक आखी नाम की महिला जो बांग्लादेश की रहने वाली है और भारत में रह रही थी, उसी ने कोलकाता से यहाँ ले आया था, ले आने में मदद की थी। इस आधार पे ही आज जो महिला है जिसका नाम आखी है उसकी गिरफ्तारी की गई है।